पूना इंजीनियरिंग कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को, स्टाफ को, सौरभ शुक्ला का नमस्कार, अ बिग हेलो एंड अ बिग हग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे आज कुछ थोड़ी देर बात करने जा रहा हूँ। दोस्तों, हम लोग सब एक ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं जिसके बारे में हमने पहले कभी सोचा नहीं, जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं। एक पेंडेमिक जो हमने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया कि पूरी दुनिया में एक महामारी जो है वो घूम रही है और उससे निपटने के लिए हमारे पास कोई दवा नहीं है। ये अपने आप में ही काफ़ी डिप्रेसिंग है और इससे बचने के लिए जो तरीका है वो है क्वारंटाइन, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग। ये हम जिंदगी में पहली बार कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि ये है क्या। पहले लगा क्या बड़ी बात है भाई, कुछ दिन घर पे रह जाएंगे। घर पे रहना सबको अच्छा लगता है, लेकिन अगर किसी मजबूरी की वजह से आपको घर पे रहना पड़े या आप पे पाबंदी हो कि आप घर से नहीं निकल पाएंगे तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि हम सभी लोग, इंसान की फितरत है कि उसको फ्रीडम जो है वो बहुत ज़रूरी और एक अहम चीज़ होती है जो उसको चाहिए होती है। तो पहली बात तो यही कि शुरुआती दिनों में तो चलिए ठीक है, आप घर को निहार रहे हैं, घर का खाना एंजॉय कर रहे हैं, घर एंजॉय कर रहे हैं, पर धीरे धीरे ये मुश्किल शुरू हो जाती है कि भाई कैसे, कब ख़त्म होगा ये, कब मैं बाहर जा पाऊँगा, कब मैं दोस्तों से मिल पाऊँगा, कब मैं काम कर पाऊँगा। बहुत कुछ हुआ है जो हमने नहीं सोचा था कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी इस चीज़ को महसूस कर पाएंगे। अब लेकिन हुआ है तो हुआ है, तो क्या किया जाए। तो देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना ही शेयर करूंगा कि मैंने शुरू में घर को बहुत निहारा, पेड़ पौधों को बहुत निहारा, अब भी निहारता हूं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इंसान तब थोड़ा परेशान होने लगता है जब वो खुद कुछ नहीं कर रहा है और खुद कुछ नहीं कर पा रहा। जब हम नॉर्मल दुनिया में, ये प्री पैंडेमिक दुनिया में जब हम थे, तो दुनिया फिर भी वैसी ही चलती है, संसार फिर भी वैसे ही चलता है, नेचर सब कुछ करती है, लेकिन हम जो चाहते हैं वो कुछ कर पाते हैं अपने काम के थ्रू। जैसे मैं अपने आर्ट के थ्रू, फिल्मों के थ्रू, थिएटर की वजह से, बहुत सारी चीज़ों से मैं अपना एक सेटिस्फैक्शन पाता हूँ, एक क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन, एक सेंस ऑफ पर्पस पाता हूँ। बट वो सेंस ऑफ पर्पस इस वक्त रुक गया है क्योंकि मैं इस वक्त बाहर जाके फिल्में नहीं शूट कर सकता, मैं थिएटर में जाके परफॉर्म नहीं कर सकता, लोग मुझे देखने नहीं आ सकते, मैं लोगों तक कैसे पहुंचूं, क्या करूं। अब सवाल ये पैदा हुआ कि भाई शुरुआती तो एक दौर होता है जब आप बात करते रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा, लेकिन उसके बाद ये समझ में आता है कि क्या होगा सिर्फ एक सवाल है, उसका जवाब किसी के पास नहीं है, इस सिचुएशन में तो बिल्कुल नहीं है। जो होगा उसका हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसमें कुछ कर नहीं सकते, एक्सेप्ट
इस पेंडेमिक के दौर में जो साइंटिस्ट, डॉक्टर्स, जो लोग इसकी दवा ढूंढ रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मैं एज एन आर्टिस्ट क्या करूं? तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा हुआ, मेरा एक दोस्त है जो ऑस्ट्रेलिया में रहता है, बड़े सालों बाद, अब ये जिस इस दौर में जब आप दिन भर घर में बैठे रहते हैं, मैंने कहा यार बड़ा टाइम हो गया है, कुछ 10-15 साल हो गए, मैंने कहा कि उससे एक बार फिर से कांटेक्ट करता हूँ। तो मैंने उसका नंबर ढूंढ के निकाला और मैंने उसे व्हाट्सएप पे कॉल किया, शुरुआती हेलो हाय, अरे कैसे हो, क्या है, एंड देन बात वहीं आ गई कि वो कहने लगा कि अरे यार तुम्हें देख रहे हो, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैंने उसको यही कहा कि देखो यार क्या है, मैं साइंस का स्टूडेंट तो रहा नहीं, मैंने मेडिकल साइंस पढ़ा नहीं, मैं साइंटिस्ट हूँ नहीं, मैं इकोनॉमिस्ट भी नहीं हूँ, मैं इंजीनियर भी नहीं हूँ, तो मैं इस वक्त में जो मुश्किलें आने वाली हैं उसमें पार्टिसिपेट इस लेवल पर नहीं कर सकता, लेकिन मैं जिस लेवल पर कर सकता हूँ वो है, मेरा काम है मनोरंजन, मेरा काम है एंटरटेनमेंट, मैं वो लोगों तक पहुंचा सकता हूं और उस एंटरटेनमेंट के थ्रू मैं वो बहुत सारी बातें कह सकता हूं जो इस वक्त में बहुत जरूरी है। मैं किसी को जीवन का फलसफा या फिलॉसफी ऑफ लाइफ देने लायक अपने आप को नहीं समझता हूं, लेकिन इतना सजेस्ट कर सकता हूं कि जो चीज मेरे लिए वर्क कर रही है वो हो सकता है आप लोगों के लिए भी वर्क करे, और वो है मन की शांति। बात हम सभी करते हैं मन की शांति की, लेकिन मन की शांति मिले कैसे भाई? तो मुझे एक चीज समझ में आई, ये मैंने बहुत पहले बचपन में ही शायद सुना था, वो कहते हैं कि अगर हर 6 महीने में आप एक कोई नई चीज़ सीखते हैं, समथिंग न्यू, तो आप हमेशा जवान बने रहते हैं। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, एक सेंस ऑफ पर्पस आपका रहता है। जैसे आप जैसे इस वक्त क्या हो रहा है, मैं लिखता तो हूँ लेकिन लिखना हर वक्त नहीं हो सकता है। लोगों को लगता है कि भाई क्वारंटाइन है तो सब लोग लिख रहे होंगे, ऐसा है नहीं, नहीं लिख सकते आप, उसका भी अपना एक वक्त होता है। और जो मैं लिखता हूँ, मैं फिल्में लिखता हूँ, वो टारगेट बेस्ड होती है कि भाई वो फिल्में जो हैं मैं लिखूँगा तो फिल्में बनेंगी। अब इस वक्त वो टारगेट नहीं है, क्योंकि अगर लिख तो लेंगे आप, लेकिन उसके बाद क्या बनेगी या नहीं बनेगी, कब बनेगी, ये तो मालूम नहीं है। तो वहाँ से मन थोड़ा उचाट होता है। तो ऐसे में कुछ ऐसा जो मैंने पहले कभी नहीं किया वो मैं सीखना चाहता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं फिल्टर कॉफ़ी नहीं बना पाता था, मुझे मालूम ही नहीं था फिल्टर कॉफ़ी कैसे बनती है, तो मैंने बाकायदा उसको सीखा और पिछले 1 महीने से मैं बना रहा हूँ और इस सब में बहुत अच्छी फिल्टर कॉफ़ी बनाता हूँ, ये बहुत ही। और जब मैं कॉफ़ी बनाता हूँ और अपनी टेबल पे बैठता हूँ लिखने के लिए और उस कॉफ़ी का सिप लेता हूँ तो मुझे बहुत मज़ा आता है, क्योंकि वो कॉफ़ी मैंने बनाई है, मैंने सीखी है। उसके अलावा मैं राइटर हूँ, एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं कैमरामैन नहीं, मैं सिनेमेटोग्राफर नहीं। तो मैंने फैसला किया कि भाई जो कैमरा मेरे घर पे रखा हुआ है मैं उसके थ्रू फोटोग्राफी सीखूंगा। अब फोटोग्राफी सीखने के लिए मैं वीडियोस पे गया, तो वीडियोस में थोड़ा सा एक पर्सनल टच नहीं होता है, क्योंकि इट्स अ रिकॉर्डेड थिंग। तो मैंने कहा भाई दोस्त किस दिन काम आएंगे,
तो मैंने दोस्तों को फ़ोन किया जो बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स हैं, सिनेमेटोग्राफर्स हैं, उनको फ़ोन किया। मैंने कहा भाई मुझे बताओ कैमरे में क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। एंड इस बहाने बहुत सारी बातें, और आई एम वेरी हैप्पी कि ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा ही सही, लेकिन कुछ तो नया सीखा मैंने, मेरी ज़िंदगी में कुछ एक नया एक्सपीरियंस तो जुड़ा। तो कहने का मतलब यह है आप सभी लोग, एंड आई एम श्योर यू ऑल आर ओके, यू मस्ट हैव फाउंड योर वे। किसी को अगर कोई दिक्कत है तो बस इतना याद रखिए, लाइफ बहुत ही सिंपल है, ह्यूमन लाइफ बहुत ही सिंपल है। आप सिर्फ एक सेंस ऑफ पर्पस वो ढूंढ लीजिए, वो कुछ भी हो सकता है, वो पेंटिंग करना भी हो सकता है, गाना गाना भी हो सकता है, खाना बनाना भी हो सकता है, आपका आप जो कर रहे हैं उसी में हो सकता है, आप पढ़ाई के दौरान सिर्फ अपने कोर्सेज की तरफ ध्यान रखते हो, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है जो आप ही के सब्जेक्ट से रिलेटेड है एंड यू वांट टू एक्सपेरिमेंट विद दैट। जैसे कि मैं वेस्ट बंगाल की एक लड़की के बारे में पढ़ रहा था, आई थिंक शी इज़ अ स्कूल स्टूडेंट एंड शी एंडेड अप मेकिंग अ मास्क विच इज़ वंडरफुल। आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज ऑफ दैट मास्क, लेकिन इट्स लाइक अ साइंस प्रोजेक्ट शी डिड एंड उसने पेटेंट करवाया, उसको गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने उसको पेटेंट किया और उससे रिक्वेस्ट किया है कि वो बनाए। इट्स अ वंडरफुल मास्क विच एक्चुअली गिव्स यू द इनफ्लो ऑफ ऑक्सीजन ऑल्सो एंड जो वायरस रोकने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके ऊपर उस बच्ची ने काम किया। वी कैन डू दैट, वी आर एक्सप्लोरर्स, ह्यूमन रेस इज द रेस ऑफ एक्सप्लोरर्स and we should never stop exploring. So on that note, I will say stay safe, stay happy, and don't stop exploring. Thank you.